साफ साथ में राम राम जी, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है एक बार फिर से रितु एंड एज ब्लॉग में। और भाई रितु नाच दिखावांगे यहाँ पर सांप, ठीक है? क्या का तो लेकर आए हैं ना दिखा फिर भाई ना दिखा दो इच्छा परमात्मा की। तो भाई आपने एक जानकारी दे दिया सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र के गांव में हम मौजूद हैं। कौन सा गांव भाई साहब? यो डेरू माजरा उमरी उमरी। तो भाई पीछे आप बरगद देख सको हो, जो पेड़ है बरगद का लगभग हजारों साल पुराना ये बरगद का पेड़ है। और देख सको ये कितनी जमीन, लगभग आधा किलो के नजदीक ये जमीन एरिया है यहाँ पर, क्योंकि दिखावांगे आपने इसकी जो जो, जो खास बात है। क्यों जी रितु जी, आपने स्वागत कर दिया दर्शक का? हाँ जी स्वागत कर दिया। करे करे आप पेड़ देखने लग रहे हो? फिर पेड़ तो देखो, मतलब इतना बड़ा पेड़ है और इतना ऊंचा, मतलब पहली बार देखा मैंने ऐसा पेड़। क्या नु बोले थे, क्या होगा भाई साहब? पंचर बोलाऊंगा भाई। ओ भी हमारे वो लोग मार जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल बोलिया भाई बोलिया। बोले ना। और दोबारा क्रिस की डाल बोलो अब तो। ओ क्रिस नहीं बोला करता तू करे सारे ननु। वाह भाई वाह। इसकी उम्र नहीं पता भाई कितनी उम्र है। बिल्कुल। तो भाई भाई हैं अपने राम राम भाई। राम राम। क्या नाम भाई? माइकल डांडा। माइकल डांडा का पहले वीडियो में नाम आ गया था। ये बंटी बिंदास, मतलब बिंदास ये रहो भाई साहब। ये बिंदास गोत है, गुए लगा दिया ना बिंदास के। राम मेरा स्वभाव ना बड़ा अलग है। अच्छा मैं कुछ ना कुछ ना वो ना कंप्यूटर है दूध मेरा सुराट है कुछ भी खुराफाती दिमाग आपका। हां हां बस कुछ ना कुछ ढूंढ रहा तो लोग मैंने बिंदास कहने लगे। तू बिंदास है काम खराब भी करते फिर भी आता रहे। बिल्कुल। तो यो पेड़ है भाई, इसकी क्या खास बात है? आज भाई एक बार तो कैमरा मैन को भाई घुमा के दिखा दे जो पूरा प्रॉपर जो पेड़ है लगभग हजारों साल पुराना है। और एक खास बात मैं दिखाऊंगा इस पेड़ की, यानी कि इस पेड़ की जो टहनी है नी, जो ये टहनी है बरगद की, वो है उल्टी इसकी जड़ बन गई। बिल्कुल है ना, बरगद की एक ही खासियत होती है, बरगद कभी पेड़ कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ। उसकी जड़ बनती, पुरानी जड़ खराब होगी अगली तैयार कर देगी तो। और स्टेबल रहेगा। और भाइयों भाई मारे याद तो गुना, लेकिन कई सैकड़ों साल हजारों साल पुराना ये पेड़ हुआ कम से कम। और इस पेड़ को काटने के लिए एक बार कोशिश करी गई थी भी, जिसकी भी जमीन है उसने कहा कि मैं उसको काटने की कोशिश करता हूँ। तो बता रहे यहाँ पर जो ना काफी सांप इस मतलब बरगद में कहीं ना कहीं छुपे हुए निकल गए। वो निकले तो डर गया, उसके बाद फिर प्रॉब्लम कैंसिल कर दिया। इसको मैं नहीं काटूंगा। बता रहे यहाँ पर सैकड़ों सांप यहाँ रहते हैं। यानी कि काटने की सोची थी तो सांप निकला है। सांप निकला है उस टाइम पर। हाँ उस टाइम पे निकले थे। वैसे लोग यहाँ पर काम करते हैं, ये आपने देखोगे खेती बाड़ी के ऊपर ऐसे कभी किसी को कोई परेशान नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते। और भाई हम तो कहेंगे ऐसे पेड़ बने रहे हमेशा, क्योंकि ये निशानी है हमारे बुजुर्गों की, बड़ों की निशानी, उनके कभी लगाया था रास्ते चल गए बना रहे भाई। अच्छा आप दोनों भाई मतलब आप आए तो आपने किसको आपको किसने बताया इस पेड़ के बारे में, कैसे पता लगा? चर्चा चल रही थी सोशल मीडिया पर, हमने सुनी थी। अच्छा 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 वाह बंटी भाई भी भाई बंटी भाई बनो पहले भाई वो ही पेड़ नजदीक है मेरे घुमा के ले आऊं तो मैं चलो भाई बंटी भाई मैं घुमा के ले सुनी तो हमने भी थी फिर मैं खास देख लिया तो बंटी भाई से ले लिया है हमने रितु का जो सांप देख रितु रितु के लिए सांप ढूंढाएंगे फिर बच्चा ना हो रहा ना ना सांप पर की जरूर चीज गिलहरी थी ये तो। अच्छा इंतजार दिखा दो भाई सांप देखियो तुझे आना चाहे उरले करने और लड़ जाएगा सांप तेरा कड़ा है उरले करने होले तो बस देख लो इसके मतलब पेड़ की वहाँ कितनी खास बात है ये जो ना टूटा कौन कितना ऊपर चढ़ जाओ इसके ऊपर अच्छा एक और ये जमीन में नहीं जाएंगे बट हम चढ़ बताएंगे चलो ले चलो कैसे पड़ी है कदे रसा चढ़ी कदे शिमला जा रही थे टूर पे वो नहीं ऊपर चढ़ आकर पिंग मिल गई है सर मटी और ऊपर चढ़ ना तो उसकी डाल कमांडो की डाल उधर चढ़िए तेरा पर नू नू चल जाओ कर को सी कर इनो इनो अंकल ये टीम ये तो साफ का पूरा भाई भाई बता भाई इतना क्या
ओ भाई इतना बहुत मानस मर रहे धड़ा तोड़ दिया धड़ा तोड़ दिया पहली बार ऐसा देखा मैंने बारिश की वजह से बहुत दौड़ रहा हूँ झूले में दोनों मार दो ना टूटे सारे अरे तो देख लो भाई आधा किला में यो जो पूरा बरगद का पेड़ है लगभग आधे किला में फैल रहा है और इसकी जड़ देख लो नीचे तो है मतलब जो मैन जो इसका आधार है इसका जो मैन देख लो आप एक बार इसका और इसकी टहनियां यानी कि जड़ जड़ देख लो आप इसकी लगभग कितने एरिया में फैल रही है जड़े जड़ है यो तो ऊपर का एरिया दिखा रहे हैं लेकिन इसकी जड़ धरती का मैं को नीचे को दूर तक फैल रही होंगी लगभग आधा किले के अंदर भी। हाँ यार जमीन का रेट मेरे ख्याल 80 लाख रुपया किला होगा यहाँ पर 80 लाख तो 40 लाख रुपए अकेला गिर रहा है 40 लाख के खजाने पे भाई जिसका जमीन है उसका 30-40 किलो वैसे हो मान तो चाहो उसने और आदमी चार आदमी रहे हैं घूमने फिर वो इसमें साफ रहे खूब लेकिन कोई नुकसान नहीं कर रहा देखो जो टूटता है तो भाई खास बात पेड़ की देख ली था हमने इतना पुराना 1000 साल पुराना पेड़ था हमने कितने पाया नहीं है सांप काट ले सांप भाई सांप दिखा मारे एक बार बंटी कभी कुकर लगड़िया हुआ इसके वास्ते आते हो हाँ हाँ सांप लगड़ गया था भाई तने देखा तो दिखाया नहीं देखा मैंने कौन देखा मैं कौन जानती ना ना आजा आजा ना ये कौन जानती मैं अरे कौन ये लठ ले रहे हैं तो आजा लठ तो और चिंगरा करे सांप सुनी है मैंने कहाँ था अरे मरदे मरदे को रुक जा जगह भी सुन तो ले कुछ कौन होता ना कौन का ऊपर तो ऊपर लापड़ जाए ऊपर चलो भाई सांप था और मना कर रही है यार क्यों डरा गई इतनी अच्छा लड़ गया तो फिर कुछ नहीं एक दिन मरना तो है फिर पकड़ लो ना जाके पकड़ ले ना, भाई इंतजार बता डर रहे हैं सांप एकदम तो देख लो भाई बंटी कहाँ गया भाई आज बारे आज नुन्ने को आज एक बार दिखा दो भाई और भाई माइकल बढ़िया जी बढ़िया तुम्हें खास बात माइकल की खास बात की माइकल ना जी कोई नहीं और बहुत दसो घड़ा बंदा है तन नहीं देखा सांप देखा था जी सांप बिल्कुल भाई तो भाई पेट के बिल्कुल नीचे कुआ है और कुएं में ऋतु कूद से गया है जी ऋतु जी तरना कौन आंदा ना पानी को नहीं इसमें अरे एक मिनट तो भाई ये कुआ है फिलहाल देख लो या जी वाह इतना डूंगा कुआ है यो ऋतु जी कूद के बाहर लगड़ सका है दिखे है इसमें ये दिखने लग रहा पानी को नहीं भाई इसमें नीचे पॉलिथीन डाल रखे हैं एक कमरा बना रखा है भाई इस पेड़ के नीचे हालांकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ मिलती होगी हम खड़े हाँ क्योंकि बंटी भाई
ऑक्सीजन एक नंबर की मिलती होगी यहाँ पर। पेड़ जो ना सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। एक बात और बता दूं, बरगद के पेड़ की नीचे की जो मिट्टी होती है ना बिल्कुल प्योर होती है। अच्छा, अगर आप कहीं भी प्लांटेशन करनी हो ना, जैसे हम पेड़ पौधे लगाए हमने, तो इस बरगद के पेड़ की मिट्टी में खाद डाल के जब हम उसमें डाला तो सबसे ज्यादा कीट इसके नीचे होता है। कीट जो होता है ना वो इसको उपजाऊ बनाते थे बहुत ज्यादा, जमीन को सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन होती है बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे। बिल्कुल, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो दिया करे भाई पीपल ने, क्यों पूजा जा है पीपल पता है क्यों पूजा जा? क्योंकि पीपल 24 घंटे दिन भी रात भी ऑक्सीजन दे होगा, इसलिए उसको पूजा जाता है। ये बरगद है, बरगद भी दिया करे, बरगद भी देंदा 24 घंटे 90% है और पीपल 100% तो यानी कि पीपल के पीछे पूजन का कारण यही है ना। हमारे बड़े बुड्ढे बड़े सियाने थे भाई। हाँ, वो साइंस से जुड़ी चीजें ना देखा। हाँ, पीपल ना लोग काटेंगे तो इंडियन धर्म के रास्ते पे डाल दो, थोड़ा बार दो, इसमें भूत प्रेत भगवान सब वास करते हैं, मत काटा करो। हाँ, इसलिए लोग उसने पूजा है। बाकी पीपल देखो थी है तो अच्छी चीज है, लेकिन लोग क्या है फिर बाद में धीरे धीरे डरन लागे, पीपला तो पीपल दौड़ जाएगी, आत्मा लगड़े आवेगी नू हो जाएगा। भूत तो क्या है मको ना हंधा, मतलब भूत का मतलब वो आकर जो बीत गया भूतकाल। देखो बस अगर शरीर में आत्मा है तो शरीर आत्मा निकलते फिर वो भी भूत हो जाए सब कुछ। प्रेत नहीं, सुनो पता क्या, देखो शरीर है तो आदमी है, शरीर से यदि आत्मा निकल गई तो वो है प्रेत है। जब तक उसका दाह संस्कार नहीं होता, यदि उसका दाह संस्कार हो गया फिर वो भूतकाल, उसको भूत बोलते हैं। जब तक उसकी लाश रहेगी नहीं तब तक वो प्रेत कहलाओगा, यानी कि इसका कहा नहीं कर भूत प्रेत उसने नु कहा करा है। तो भाई पूरी जो जानकारी है वो बिखरता हमने देवाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिलहाल तो हम देख सको हो लगभग 1000 साल पुराना पेड़। ये एक चीज बताओ, ये पन्नी मशीन क्या की है जो बुझ जाए? एक मिनट रुक जाओ, देख के बता देंगे। रितु आप बताओ मशीन क्या की है? हाँ, वो परली मशीन आलू पाड़ने की है। ये शक्करकंदी और आलू पाड़ा इसमें, वाह भाई इसमें कुछ जो आलू बच जाया करते ना। हाँ, वो चुका करते तो भाई खुद खेती बाड़ी कर रखी है भाई हमने, करी के खेती बाड़ी करने लाग रही है भी किसान परिवार से। यहाँ क्यों रही तुझी आलू पाड़ने की मशीन, आलू और शकरकंदी जो जमीन में हो ना, इन सारी मशीनों का तो हमने पता है क्योंकि हम शुरू से खेत बोया कर देना। बिल्कुल सांप उड़ा है, चलो भाई आ जाओ। तो भाई वीडियो आपने देख ली है, जो ये व्लॉग है यानी कि बंटी भाई स्पेशली घुमा के ले आए हैं खेता में भाई, अगर 1000 साल पुराना जो बरगद का पेड़ है वो दिखाया और सांप तो बच गई रितु जी। हाँ, सांप जरूर था, ठीक है बाद में देखा था। हाँ, तो यानी कि भाई सांप तो खर भाई नुका आग्रह धरती ने की है, सही बात सब की है धरती कहीं ना करें, कहीं ना करेंगे भाई नु छोड़ा ना अपनी धरती है बाबा यहाँ आगे सबका ना। बिल्कुल रितु जी बच गई, सांप निकल गया, बच गई मुश्किल से जमा जूते पर जूते तेज से तेर बाजी नहीं नहीं तेज से सांप की वो मुनी वो चूची इन जूता का मैं तो देखे स्पेशली नजर जूते बनाई है नजर छोड़ रखी है उसके तो दांत भी तो चला जा भी तो चला जा छोड़ रखे नहीं ना। जब सांप लड़ेगा तो ऊपर भी चढ़ जाएगा, आड़े भी लड़ जाएगा। गणेश बेटा बच की बाकी रितु जी की किस्मत थी आज। बाकी जो पेड़ था हमने कैसा लगे भाई देख जरूर बताना, और मतलब आज भी जब ऐतिहासिक जो ऐसी ऐसी जो चीजें देखा हाँ तो बड़ा गर्व महसूस हुआ। क्या कहना चाहेंगे बंटी भाई लास्ट में? भाई मैं तो न्यू बात कहना चाहूंगा, अगर घूमते फिरते रहो देखते रहो के चीज इतनी चीज भरी है हरियाणा में, इस इंडिया में, इस देश में इतनी चीज पड़ी है, बहुत घनी चीज पड़ी है, लगड़ो करता है देखो एक बार जानो चीज जाना है। और भाई इसी धरोहर ने बचा के रखी भाई, बिल्कुल धरोहर हमारी संस्कृति भी हमारी धरोहर है उसने बचा के रखी, और ये जो पुराने जो हमारे धरोहर हमारे दादा पड़दादा ने जो चीज लगा रखी हमारे आज दे रखी है इन्हें बचाओ। और भाई इन दोनों मानो और आगे बढ़ाओ माइकल भाई की खास बता दू, माइकल की उम्र 22 साल उम्र की मोटरसाइकिल दो ले रहा भाई, 66 साल उम्र होगी 22 का, 22 की मोटरसाइकिल 22 की दूसरी 66 साल की उम्र है भाई। ठीक है भाई, चलो वीडियो देख लिया भाई, कमेंट जरूर कर दियो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने शेयर कर दियो। हाँ। रितु एंड एज ए व्लॉग से तम जितने व्यूअरशिप आज है नी सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दियो सब नए राम राम भूल गए थे भूल जाएगा ठीक है भाई।